कौशल। 2016 में हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे कि हमारे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सके। हम शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। संयुक्त अरब, माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कौशलपूर्ण अर्हता आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदंड तैयार किए जा सके और साथ ही साथ प्रमाण पत्र प्राप्त श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहयोगी ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता, तकनीक और ज्ञान का लाभ हमें मिल सके। हम अन्य देशों के साथ भी इस तरह के प्रयास करने वाले हैं। अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। अपने जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में हमने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की थी। अब हमने इन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस एनआरएफ की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकता परक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। विगत हाल में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेनदेन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। हम एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, PSLV CS51 को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील का एमोजेनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी होंगे। गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होने वाला है। हमारे सागर जैविक और गैर जैविक संसाधनों